यूपी में सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। हर कुछ दिनों पर एक सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। अब मेरठ के S2S कॉम्प्लेक्स के बाहर नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे ये वीडियो 35 सेकंड के बताए जा रहे हैं। वीडियो में कॉम्प्लेक्स की बंद दुकानों के बाहर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने कहा कि सीएम के आदेशों के बावजूद सार्वजनिक जगह पर धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और अगर दूसरे समुदाय के लोग अपने धार्मिक कामों को अंजाम दे रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ नमाज जो हुई थी उसके जवाब में हमने हनुमान चालीसा पढ़ी है। कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग थे, मैं था, और मैंने ज़्यादा संगठनों के लोग यहाँ बुलाए नहीं, क्योंकि हमें बवाल नहीं करना। हम शांति प्रिय सनातन धर्म से, हमारा धर्म है हिंदू समाज। हम सिर्फ 2-4-5 लोग आए, और उन्होंने ही ये काम इसलिए करा क्योंकि ये तीसरी घटना है, पहली प्रयागराज में, दूसरी लुल्लू मॉल में, और तीसरी है। अगर समाज इस तरीके से घरों में बैठा रहेगा और तो हम लोग अगर नहीं आएंगे निकल के, तो ये लोग तो पढ़ते रहेंगे, कल को हमारे घर के बाहर भी पढ़ेंगे। लेकिन नमाज का बदला नहीं, बदला नहीं है। जैसे वो आस्था दिखा रहे हैं अपने धर्म की, तो हमारे धर्म में भी तो आस्था है। हम भी तो जो है मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों को मजबूर करा जा रहा है। वहीं इन युवकों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और इन युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। उधर इस पूरे मामले पर कोई पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।